Hello everyone, how are you all? Good afternoon, ma'am. I am fine. Good afternoon, ma'am. Also fine. What about you? I'm also fine. Okay. In this session, we are going to discuss exercises from Get Going session. Okay? क्या बेटा ओके क्वेश्चन नंबर वन एंड सेकंड आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट करना है. लेट्स रीड बिटवीन द लाइन. ओके Why do shadow puppets so look lively? जो shadow puppets होती हैं वो सजीव क्यों दिखती हैं? जो shadow puppets हैं वो सजीव क्यों क्यों दिखते हैं बेटा बताइए. First second में ही हुआ है. बेटा अभी कराया गया था. आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया था ना इसके पहले. ओनो क्लास पे जब इसको पढ़ाया भी गया चैप्टर और यहाँ पे इसको फर्स्ट सेकंड करवाया भी गया है. बाद में आप लेंगे ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं इसका आंसर. आप लोग कुछ ना पहले नोटबुक में नोट करेंगे फिर आंसर लिखेंगे. शैडो पपेट्स हैं वो सचिन दिखती हैं. यहाँ पे लिखिए शैडो पपेट्स. मेरा माइक ऑफ रखिए. सीओम माइक को मत ऑन करिए. क्यों वीडियो ऑन रखिए. माइक ऑफ रखिए. यहाँ पे इसका आंसर लिख रहे हैं आप देख के नोट कर लो ठीक है. फर्स्ट का आंसर राइट कर रहे हैं हम. शैडो पपेट्स. सो बेटा बुक बी. लुक लीप बेटा बुक सबको स्क्रीन पे दिख रही है. द पपेट्स as the puppets of different different size different size sizes and shapes. Different sizes and shapes. Stand against against light. Against light to form shadow from shadow. From shadows and perform. And perform a Milo
मैम एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो बेटा। मैम इसको नोटबुक में कॉपी कर लें? नोटबुक में नोट करना बेटा, बुक में नहीं लिखना है, बुक में आएगा नहीं। यस मैम। रोमेटिक सोप नोट करिए। सैडो पपेट्स लुक लिबली एज द पपेट्स ऑफ डिफरेंट साइज, क्योंकि जो पपेट्स होती हैं अलग अलग साइज की होती हैं, एंड सेप इनका सेप भी अलग होता है। स्टैंड अगेंस्ट जो कि खड़ी की जाती हैं, अगेंस्ट में विरुद्ध, लाइट के विरुद्ध खड़ी की जाती हैं, टू परफॉर्म प्रदर्शित करने के लिए, जो उनका शो होता है परफॉर्म होता है उसको दिखाने के लिए। नोट करिए इतना। आयरन मेरा वीडियो ऑन करिए। मैम इसको नोटबुक। हाँ बेटा नोटबुक में पहले क्वेश्चन लिखेंगे नोटबुक में, जहाँ पे आपने वर्ड्स नहीं राइट किया है उसके बाद से इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है? हाय बुडन। बेटा बाद में पीरियड रखे कंप्लीट कर लेना, ठीक है? क्योंकि अभी लिख रहे हो और भी कंप्लीट कर पीछे है, जिससे आप लोग बाद में पीरियड रखे कंप्लीट कर देना। सेकंड देखिए, व्हाई डोंट ग्लव्स पपेट्स हैव ब्लैक, जो ग्लव्स पपेट्स होती है उनके पास लेग क्यों नहीं होता है, बताइए सिद्धेश, आप बताइए बेटा। व्हाई डोंट जो अभी आप क्योंकि मैम वो लोग मैम ग्लव्स से बनाते हैं मैम उनके, इसलिए मैम are made of paper or cloth. आगे नोट करिए, ग्लव पपेट्स आर मेड अप ऑफ पेपर और क्लॉथ एंड नॉट हैव ब्लैक एंड डू नॉट हैव ब्लैक एंड डू नॉट हैव ब्लैक एज दे वर आर्यन वीडियो ऑन करिए बेटा। अमन गुप्ता ऑन द वीडियो। Long costume. Have you done? No, ma'am. To perform. हजाम के लिए चाहिए
perform after full stop. They use fix. They use fingers for their movement. थर्ड का आंसर ही राइट कर रहे हैं बेटा. सेकंड का आंसर थर्ड का नहीं है अभी. अभी सेकंड का आंसर है. मोमेंट. सेकेंड का आंसर थर्ड का नहीं है. अमन बेटा वीडियो ऑन करिए. हैव यू डन? सबने कंप्लीट कर लिया इसको? चलिए बाद में देखते हैं, वीडियो कंप्लीट कर लेंगे जिसका नहीं हुआ होगा, क्योंकि आगे हम लोगों को आगे कंप्लीट करना है. Gloves are made up of paper or cloth and do not have legs. As they wear long costumes to perform, they use fingers for their movement. Can I just cut this book? Yes, ma'am. Okay. No, ma'am. Why do you think the dot puppets wear costumes? Explain. चलिए इसका आंसर दीजिए. Why do you think? आप ऐसा क्यों सोचते हो जो डॉट पपेट्स होती है वेयर कॉस्ट्यूम्स, वो कॉस्ट्यूम क्यों पहने रहती हैं? चलिए इसका आंसर क्या होगा. डॉट पपेट्स कॉस्ट्यूम क्यों पहनती हैं? के बाद ही आंसर लिखना है, नहीं कि आप आंसर लिख दो क्वेश्चन ना लिखो. क्वेश्चन लिखने के बाद ही आप आंसर लिखोगे. यस मैम. तो इसका आंसर लिखिए. जुराफ पपेट्स होती हैं, वो कॉस्ट्यूम इसलिए पहनती है ताकि वो अधिक अट्रैक्टिव दिख सके, सुंदर दिख सके. ओके, इसलिए उनको कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है जुराफ पपेट्स होती है. नोट करिए यहाँ पे रॉड पपेट्स. रॉड पपेट्स वेयर कॉस्ट्यूम टू मेक them look attractive. Attractive and lively. Have you done? Ma'am, done. Dot puppets. Wear costumes. No, ma'am. To make them look attractive and lively.
आर्यन बेटा आपका राइट हुआ कि नहीं अभी? मैम नहीं। क्यों राइट नहीं करना है? मैम दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई कैसे नहीं दे रहा आपको? स्क्रीन पे बुक नहीं दिख रही है? बुक नहीं दिख रहा मैम, बुक नहीं दिख रहा। मैम एक्सक्यूज मी। हाँ उदय बोलिए। मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नहीं दिखेगा क्योंकि ऊपर हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया, इसलिए क्वेश्चन नहीं दिख रहा। आंसर आपको ऊपर से दिख रहा है ना? यस मैम, लेकिन हम क्वेश्चन अभी नहीं राइट किए हैं। मैम आंसर राइट किए हैं। क्वेश्चन आपने नोट किया है, आंसर लिख लिया है। ठीक है अभी क्वेश्चन दिखा देते हैं। बेटा आर्यन आपके नेटवर्क नहीं होगा इसलिए आपको बुक नहीं दिख रही, बाकी सब बच्चों को बुक दिख रही है। यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे बुक में कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा आपको? देखो मैम दिख रहा है। वो कैसे दिखने लगा? झूठ बोल रहे थे ना, लिखने का मन नहीं करता इसलिए झूठ बोल रहे थे। नहीं मैम कुछ उसमें कर दिए थे। ओके मैम देखो। कुशाल बेटा आपको नहीं लिखना है, बैठे हो आराम से। नोटबुक कहाँ है आपकी? राइट करिए। राइट कर लिया है। ओके अच्छे से लिखो। प्रिया भारती हो गया आपका भी? ओके मैम आई हैव डन। ओके चलिए जिसका डन हो गया होगा वो यहाँ इसको इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। व्हाई डू यू कैरी फॉर पेयर्स ऑफ स्टोरी टेलर? आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि यहाँ पे जो भी आपने स्टोरी पढ़ा पपेट्स के बारे में, पपेट्स को स्टोरी टेलर्स क्यों कहा गया है? बताइए पपेट्स को स्टोरी टेलर्स क्यों कहा गया? मैम ये आंसर मैम रेस कर दी। सिद्धार्थ आप बताइए, जो पपेट्स यहाँ पे हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा अभी स्टोरी में, तो पपेट्स को स्टोरी टेलर्स? मैम क्योंकि मैम पपेट्स मैम पुरानी मैम स्टोरियां सुनाती हैं हम लोगों को। ओके गुड, क्योंकि जो पपेट्स है वो हमें अपनी कहानियां सुना रही हैं, अपने बारे में बता रही हैं, इसलिए उसको स्टोरी टेलर्स कहा गया है। गुड। फिर आप बताइए खुशी, खुशी आना भाई, पपेट्स को स्टोरी टेलर्स क्यों कहा गया है? आंसर है हां लिखो। मैम पुरानी कविता सुनाते हैं क्योंकि वो अपने बारे में एक अपनी कहानी आपको बता रही है, इसलिए उसको स्टोरी टेलर्स कहा गया। मीन्स कहानी कहने वाले को स्टोरी टेलर्स बोलते हैं। इसका आंसर नोट करिए। आई थिंक द पपेट्स कॉल्ड स्टोरी टेलर्स। आई थिंक मैम इसको इरेज कर दीजिए, मैम इसका क्वेश्चन नहीं दिख रहा। हां ठीक है इरेज कर दें, जिसका नहीं होगा बाद में देख के वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। इसका आंसर चलिए इसका हम नोट करते हैं। आई थिंक पपेट्स और कॉल्ड पपेट्स पपेट्स और कॉल्ड because we use puppets so I think we use puppets to tell story important facts what?
I think important facts. I think puppets are called storytellers because we use puppets. Puppets का use करते हैं to tell कहने के लिए important facts or etc. Are E A double L E D are called Have you done? No, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट आपका व्हाई डू यू थिंक साइडो पपेट्स आर मेड ऑफ लेदर. आप ऐसा क्यों सोचते हो साइडो पपेट्स होती हैं और चमड़े से क्यों बनाई जाती हैं? बताइए. लेदर की क्यों बनी होती है साइडो पपेट्स होती हैं? नहीं, लचीला बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए. ठीक है, वहां पे लिखिए, चेस को इरेज करते हैं, आगे नोट करते हैं. Why do you think साइडो पपेट्स आर मेड ऑफ लेदर? इसका आंसर हम लिखेंगे, आई थिंक साइडो पपेट्स Side of puppets are made of leather because लेदर इज फ्लेक्सिबल. जो लेदर होता है फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है. ओके, बिकॉज लेदर इज फ्लेक्सिबल. बेटा सबको दिख रही है बुक स्क्रीन पर, फ्लेक्सिबल. सभी को स्क्रीन पे बुक दिख रही है? यस मैम. ओके, नोट कर लीजिए. यस मैम. हाँ बोलो बेटा. एक कौन भेजा? टू वी हैव टू सो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज. Activities by Saido Puppets. इतना सबका हो गया है? दिखाई नहीं जा रहा.
different activities by shadow puppets. यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, आई थिंक शैडो पपेट्स आर मेड ऑफ लेदर बिकॉज लेदर इज फ्लेक्सिबल एंड वी हैव टू शो डिफरेंट एक्टिविटीज बाय शैडो पपेट्स. ओके एक्टिविटी यहाँ पर ऐड कर लेंगे. Have you done? No, ma'am. No, ma'am. यहाँ पर different के बाद आप activity write करेंगे, ठीक है? Activities, different activities by shadow puppets. आप सभी लोग books ही open कर लेंगे. Books ही में जो work है get going session का, नहीं reading junction का work, इसको open करिए, इसको complete कर लेते हैं. Books ही में page number 104. पेज नंबर 104. ओके बेटा. हाँ बोलो. इसको देखिए. Answer these questions. Do you think? Do you like to watch puppets show? क्या आपको puppets का show देखना अच्छा लगता है? Yes or no? Yes. Hari, do you like to watch puppets show? क्या आपको puppets show देखना अच्छा लगता है? मैम, यस मैम. आज क्या आपको अच्छा लगता है देखना? क्या देखना? पपेट्स शो. पपेट्स के शो को देखना अच्छा लगता है? यस यस. क्यों अच्छा लगता है बताइए, क्यों अच्छा लगता है? क्या बोला अभी आपने बेटा? अच्छी लगती है, उनका शो अच्छा लगता है. एरिया भारती, आपको क्यों अच्छा लगता है पपेट्स का शो देखना? बोलिए जल्दी. मैम भैया, अब होमवर्क अपना भेज लेना. माइक ऑफ रखिए. मैम हमने माइक ऑन किया है. यस आई लाइक टू वॉच पपेट शो. यस आई लाइक टू वॉच पपेट शो. बिकॉज because puppets are very fascinating. नोट करिए, इतना फैसिनेटिंग लिखिए. They attract they attract
us by their activities. Activities. मैम वो लाइन नहीं है यार, मैं दूसरी लाइन यूज कर सकते हैं। इतना स्पेस दिया हुआ लिखने के लिए कहीं भी आप यूज कर सकते हो। Yes, I like to ask shadow puppets. I like to ask puppets so because puppets are very fascinating. They attract us by their activities. वो हमें अपने एक्टिविटी के द्वारा आकर्षित करती हैं। अमन गुप्ता, आर्यन वर्मा वीडियो ऑन करिए, अभी पांडे ऑन द वीडियो। ओके, सभी का डन हो गया, ये कंप्लीट कर लिया सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन। नो मैम, जल्दी कंप्लीट करिए फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच पपेट्स डू यू लाइक, ऐसी कौन सी पपेट्स है जो आपको ज्यादा अच्छी लगती है, जिसको आप पसंद करते हो, ऐसी कौन सी पपेट्स है? स्ट्रिंग पपेट्स या साइडो पपेट्स, रॉड पपेट्स, ग्लब पपेट्स, कौन सी आपको अच्छी लगती है? आपको लिखना है कि कौन सी पपेट्स आपको अच्छी लगती है और क्यों अच्छी लगती है। तो इसका आंसर आप लोग खुद से कंप्लीट करके सेंड करेंगे, ठीक है? यस मैम। आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, आई लाइक साइडो पपेट्स, या आई लाइक ग्लब पपेट्स, आई लाइक स्ट्रिंग पपेट्स, या आई लाइक रॉड पपेट्स। अब क्यों आपको आप इसको लाइक क्यों करते हो, इसका रीजन आप खुद से राइट करोगे, ठीक है? यस मैम। मैम वो नोटबुक में, हाँ नोटबुक में ऐड करके सेंड करेंगे। जैसे आपके पास बुक नहीं है सिद्धेश, तो आप बुक में क्वेश्चन नोट कर लो, फिर इसका आंसर लिख के सेंड करना। जैसे यहाँ पे है इसका, आप क्वेश्चन नोट करो जल्दी से अपने नोटबुक, हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, नोट कर लो। व्हिच पपेट डू यू लाइक, कौन सी पपेट आपको अच्छी लगती है, आप किसको पसंद करते हो, व्हाई, लाइक क्यों अच्छी लगती है, आपको उसको लिखना है। रॉड पपेट्स, क्यों, रीजन क्या है, क्यों अच्छी लगती है आपको वो? इसलिए बातें मत करो इतना। चलिए आप लोग इसको सेंड करेंगे राइट करने के बाद, ठीक है? टाइम ओवर हो रहा है, सब यहाँ पे एंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? ओके गुड बाय फ्रेंड्स। हाँ बोलो बेटा, बोलिए मैम। जिसका नाम वो मैम जो आप राइट करवाएंगे, हाँ इसको भेजना है, जो भी राइट करवाए इसको, अगर नहीं हो पाया है तो आप, जब वीडियो आपके पास जाएगा शाम तक, तो आप राइट करके कल सेंड कर देना, ठीक है? अगर नहीं हो पाया बाद में सेंड करना, लेकिन आप सबको सेंड करना है, आज नहीं है तो कल सेंड कर देना, जो आज हुआ उसको आज सेंड कर दो, बाकी कल सेंड कर देना जो नहीं हुआ है। ओके गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।